जन आशीर्वाद यात्रा में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जनता जनार्दन ही हमारे लिए भगवान है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शिक्षक विकसित और गौरवशाली भारत बना है। हरदा में भाजपा के कमल को खिलाने के लिए आशीर्वाद यात्रा का आगमन हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जनसैलाब उमड़ पड़ा। भाजपा कार्यकर्ता और जनता का हुजूम सड़कों पर आ गया। जन आशीर्वाद यात्रा की सभा को असम के मुख्यमंत्री और प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, प्रभात झा, कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने संबोधित किया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जनता जनार्दन ही हमारे लिए भगवान है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शिक्षित, विकसित और गौरवशाली भारत बना है। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मेरा विनती है, ये मध्य प्रदेश हमारा हिंदुओं का पुष्प भूमि है। यही मध्य प्रदेश में हिंदुओं को पूरा देश में प्रसार प्रसार करने का काम किया था। यही से हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति फूले थे और यही से विकसित हुए थे। लेकिन हमें टीवी का सामने जाके बोलने दीजिए, हम बोलेगा देश पहला है, उसका बाद बीजेपी है। ये बोलता है राष्ट्रभक्ति। लेकिन कांग्रेस का मेरा भाइयों और बहनों, आप जितना भी उनके ऊपर सबूत चला लो, और कभी नहीं बोल सकता है कि भारत बड़ा है। हमेशा बोलेगा गांधी बड़ा है, गांधी बड़ा है। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने शर्मा का स्वागत किया। इस अवसर पर हरदा जिले के संगठन प्रभारी विकास वीरानी समेत पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। यात्रा को कांग्रेस के पूर्व विधायक आर के दोगने, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम पटेल सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।